ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग व कोयला घोटाला में शामिल आरोपी समीर बिश्नोई सहित सूर्यकांत तिवारी, लक्ष्मीकांत तिवारी, सुनील शर्मा व उप सचिव सौम्या चौरसिया को कोर्ट में किया पेश। ईडी की टीम बॉक्स और बोरों में भरकर दस्तावेज लेकर पहुंची। वहीं इस मामले में 152.31 करोड़ की चल अचल संपत्ति अटैच किया गया है। यह जानकारी ईडी के हवाले से न्यूज एजेंसी ने बकायदा ट्वीट कर दी है। ईडी ने कहा कि पिछले दिनों कोरबा और रायगढ़ के डीसी कार्यालयों में खनन विभागों सहित 75 से अधिक स्थानों पर तलाशी ली और आपत्तिजनक साक्ष्य एकत्र किए। इसके बाद शुक्रवार को आरोपियों के खिलाफ ईडी स्पेशल कोर्ट में चालान पेश किया गया, जिसके बाद आज यह कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी और समीर बिश्नोई के साथ सीएम की उप सचिव सौम्या चौरसिया के यहाँ की गई थी। दस्तावेज को तैयार हुए ना 8000 पेज के, वो सारा वो उसमें भेजे बॉक्स में। पूरा ईडी स्टाफ है ना, ये जो है ये सीनियर एरिया ऑफिसर जो सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288506 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।